सो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। वी विल डिस्कस क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 और बेसिक और एग्जांपल। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं और दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 4 मेरे पास है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2px माइनस ऑफ xp स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास क्या था, दैट y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x और p, तो वो तो यहाँ पर है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है इसके बाद, स्टेप 2, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, सो y का बनेगा dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास है p और x, तो वी विल यूज u into v रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 2 पे मेरे पास क्या है फर्स्ट फंक्शन, तो वो बाहर x का 1 प्लस 2 और x मेरे पास क्या है सेकंड फंक्शन, और p का क्या बनेगा dp by dx माइनस, यहां हम दोबारा यूज करेंगे u into v रूल क्योंकि x ही वेरिएबल है और p भी। तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज p स्क्वायर as it is x का 1 प्लस में x मेरे पास as it is, अब आते बात p स्क्वायर की, तो p स्क्वायर का मेरे पास क्या होगा डिफरेंशिएशन 2p dp by dx, सो 2xp into dp by dx। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो p इज इक्वल्स टू 2p प्लस 2x dp by dx। अब इसको हम करेंगे इन द शिफ्ट, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस ऑफ 2xp dp by dx। तो अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, जो मेरे पास ही माइनस p स्क्वायर था इसको हम ले गए इस साइड में, तो क्या बनेगा प्लस का p स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ मेरे पास है p, यहाँ मेरे पास है 2p, जब ये 2p मेरे पास आएगा इस साइड में तो क्या बनेगा p माइनस 2p, सो इट इज माइनस ऑफ p, इसको भी आप लेकर आएंगे साइड में, सो माइनस ऑफ 2x dp by dx एंड दिस इज नेगेटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव जब ये आएगा इक्वल के साइड में। इस टर्म को और इस टर्म को हमने कर दिया एक जगह इकट्ठा, सो दिस टर्म इज एट वन प्लेस, और इस टर्म को और इस टर्म को हम ले गए हैं एक तरफ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम कॉमन लेंगे p, तो क्या आएगा p इंटू में p प्लस 2x dp by dx, और यहां से हमने कॉमन लिया है माइनस वन, तो इट विल बिकम माइनस वन इंटू पी प्लस टू एक्स डी पी बाई डी एक्स। तो अगर आप करें नोटिस, तो ये टर्म मेरे पास क्या है, पूरे से कॉमन है, तो हमने इसको लिया कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में पी माइनस वन, सो पी माइनस वन डॉट दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। मेरे पास दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है जीरो, सो इट मीन्स या तो पहली जीरो होगी या सेकेंड जीरो, सो या तो ये मेरे पास जीरो होगी या फिर ये मेरे पास जीरो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन dp by dx। यहाँ से मेरे पास आता है उठ के नाओ पॉइंट, क्या कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो और उसमें से मेरे पास एक में dp by dx ना हो तो वो हम करेंगे नेगलेक्ट, और जो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी है जिसमें dp by dx है उसको हम लेंगे जीरो के इक्वल, सो इट मीन्स दिस कैन नॉट बी जीरो, और ये इसका रहा रीजन। तो मेरे पास क्या बचती है पॉसिबिलिटी, दैट दिस टर्म इज जीरो, सो p प्लस 2x dp by dx इक्वल टू जीरो, इस p को हम लाएंगे साइड में, सो 2x dp by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p। अब इनको हम करेंगे रीअरेंज, यानी कि हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो क्या बनेगा 2 इंटू dp by p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx by x। यहाँ से हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो जब आप करेंगे इसकी इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा इसका ये, तो dp by p का मेरे पास बनेगा log p और dx by x का मेरे पास बनेगा log x, सो लेट अस सी। तो हमने करी परफॉर्म इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स लॉग पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स, अब दोनों मेरे पास क्या है लॉग में दीज टू क्वांटिटी, तो हम मेरे पास लेंगे कांस्टेंट भी लॉग में, सो दैट जो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो क्या बनेगा लॉग ऑफ पी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास है 2 है जाएगा पी की पावर में इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मेरे पास क्या है लॉग ऑफ ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ बी, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ ए बाई बी, सो लॉग ऑफ सी बाई एक्स, अब लॉग से लॉग कैंसिल, सो वी हैव पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ चुकी है वैल्यू पी की अंडर रूट में सी बाई एक्स। तो यहाँ से मेरे पास आता है एक नवा पॉइंट क्या, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो सोल्यूशन मेरे पास वहाँ पर क्या था, एक्स मेरे पास था फंक्शन ऑफ पी और वाई भी मेरे पास क्या था एक फंक्शन था पी का, तो हमने कहा था कि दीज टू टर्म्स इकट्ठे मुझे देंगी सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, बट इसका मेरे पास सोल्यूशन निकल सकता है एक और तरीके से, अगर मुझे p की वैल्यू पता हो तो मैं p की वैल्यू को पुट करूंगा गिवन इक्वेशन में, उससे मेरे पास क्या होगा जो मेरे पास p है गिवन इक्वेशन से मेरे पास p जो है वो हो जाएगा एलिमिनेट,
और मेरे पास किस में आएगा आंसर, वाई इज अ फंक्शन ऑफ किसका, वहाँ मेरे पास एक्स प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, सी, क्योंकि जो मेरे पास पी की वैल्यू है उसमें मेरे पास सी कहीं ना कहीं होगा। तो ये मेरे पास दो तरीके हैं इसके सोल्यूशन निकालने के, फर्स्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था और आज हम सीखेंगे ये तरीका। एक बात का बस आप ध्यान रखिए, जहाँ से पी की वैल्यू निकालनी पॉसिबल है वहाँ से आप निकालिए और उसको आप पुट कीजिए गिवन इक्वेशन में, तो वहाँ से मेरे पास क्या होगा, पी जो है वो एलिमिनेट होगा। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा, एक्स में और सी में, क्योंकि एक्स तो मेरे पास है गिवन इक्वेशन में और जब आप पुट करेंगे वैल्यू पी की, और उसमें मेरे पास सी तो पक्का होगा क्योंकि वो क्या है मेरे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो उस केस में मेरे पास आएगा ये आंसर। अगर मैं बात करूँ मेरे पास अगर पी सेपरेटली नहीं निकल पा रहा है, अगर पी की वैल्यू मेरे पास नहीं निकल पा रही है जैसे हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने क्या किया था, वहाँ हमने निकाली थी वैल्यू एक्स की इन टर्म्स ऑफ पी और हमने निकाली थी वैल्यू वाई की इन टर्म्स ऑफ पी। तो यहाँ मेरे पास दो मेथड आंसर निकालने के, या तो ये या ये, ये तब जब पी की वैल्यू निकल सकती है और ये तब जब पी की वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो पी की मेरे पास वैल्यू है रूट सी बाय एक्स, तो वाई मेरे पास क्या है टू पी एक्स माइनस ऑफ एक्स पी स्क्वेयर, तो यहाँ से हमने पी कॉमन लिया तो क्या बनेगा पी इंटू टू एक्स माइनस ऑफ एक्स पी। तो पी की हमने वैल्यू पुट कर दी है रूट सी बाय एक्स टू एक्स एस टीज माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट में सी बाय रूट एक्स, ये तो बार सेम का सेम, सो टू एक्स माइनस ऑफ यहाँ का एक्स की पावर वन यहाँ का एक्स की पावर हाफ, तो क्या बनेगा वन माइनस वन बाय टू इज वन बाय टू अंडर रूट सी और एक्स। अब इस रूट सी बाय एक्स को आप लेकर आएंगे अंदर तो क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा टू एक्स इंटू में रूट सी बाय एक्स। तो अगर इसको आप करेंगे सोल्व तो क्या बनेगा टू तो सेम का सेम रूट सी सेम का सेम, ये कितनी पावर है वन और ये कितनी पावर है हाफ, तो क्या बनेगा वन माइनस वन बाय टू इज वन बाय टू, सो टू रूट सी इंटू रूट एक्स। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब इससे आप करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा इट इज रूट सी बाय एक्स इंटू में रूट सी बाय एक्स, इस रूट एक्स से मेरे पास ये रूट एक्स कैंसिल, सो रूट सी इंटू रूट सी इज सी, सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और यू कैन से द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन फाइव मेरे पास है वाई माइनस ऑफ टू पी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वेयर, तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू वाई की, तो वो मेरे पास क्या आएगी, आप इसको करेंगे शिफ्ट इस साइड में तो क्या बनेगा फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वेयर प्लस ऑफ टू पी एक्स, तो इट मीन्स यहाँ मेरे पास क्या मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट करेंगे, सो वाई इज इक्वल टू टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो चुका है, वाई मेरे पास क्या आ चुका है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और पी, सो इट मीन्स स्टेप वन कम्प्लीट। अब स्टेप टू के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, सो लेट अस सी, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास है पी और एक्स, सो इट मीन्स वी विल यूज यू इन टू रूल, तो उसके अकॉर्डिंग टू पी एस टीज एक्स का वन प्लस टू एक्स एस टीज पी का डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ मेरे पास क्या आएगा प्लस, अब यहाँ समझिए हमने किया क्या, ये मेरे पास है फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वेयर, तो इसका मेरे पास क्या बनेगा डी एफ अपॉन में डी एक्स और यहाँ मेरे पास क्या इसका एक्स पी स्क्वेयर, और इसको मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में एफ डैश ऑफ एक्स पी स्क्वेयर। बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने क्लास फर्स्ट टू में क्या पढ़ा था दैट डी वाई बाई डी एक्स को हम शो कर सकते हैं ऐसे वाई डैश, अगर मेरे पास यहाँ हो सेकेंड डेरीवेटिव तो यू कैन से वाई डबल डैश, तो हमने यहाँ पर वही किया है, यहाँ पर मेरे पास क्या है एक बार हो रहा है डिफ्रेंशिएट, वी हैव यूज एफ डैश, सो एफ डैश इज अ फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वेयर। अब आते बात बीच वाले की, तो यहाँ मेरे पास क्या है x और p, दैट इज वी हैव टू यूज u into v, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है पी स्क्र एस टीज एक्स का वन प्लस एक्स एस टीज पी स्क्र का टू पी डी पी बाई डी एक्स, तो इसके उन्हें यहाँ वैल्यू पुट कर दिया है तो क्या बनेगा p इज इक्वल्स टू टू पी प्लस टू एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस में f डैश एक्स पी स्क्र, और ये टर्म मेरे पास सेम है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे, हम इस p को ले आए हैं इस साइड में तो क्या बनेगा 2p माइनस p इज p, सो p प्लस में 2x dp by dx यहाँ मेरे पास आएगा प्लस f डैश एक्स पी स्क्वेयर, और ये टर्म मेरे पास क्या सेम है। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसको कर दिया ग्रुप, और यहाँ मेरे पास क्या प्लस साइन, आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ मेरे पास प्लस साइन है तो गलती मत कीजिएगा, यहाँ मेरे पास प्रिंटिंग में कुछ गलती है, प्लस का यहाँ से हमने लिया p कॉमन तो क्या आएगा p इंटू एफ डैश इज अ फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वेयर, और मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में p प्लस 2x dp by dx। अब यहाँ से मेरे पास ये टर्म और ये टर्म क्या पूरे से कॉमन है तो मेरे पास क्या आएगा p प्लस 2x dp by dx ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस p f डैश एक्स पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या है फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकेंड क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी का मेरे पास प्रोडक्ट क्या है 0, सो इट मीन्स या तो ये 0 होगी या ये 0,
तो हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऐसी क्वांटिटी जहां मेरे पास dp by dx ना हो तो उसको हम करेंगे डिस्कार्ड। तो इट मींस ये मेरे पास क्या होगी डिस्कार्ड, दैट इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो क्या बचता है पॉसिबिलिटी, दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। सो p प्लस 2x dp by dx इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बनेगा 2x dp by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ p। यहां से हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो हमने क्या वेरिएबल को सेपरेट, तो क्या बनेगा 2 इंटू dp by p इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx by x। अब हम करेंगे इसके इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स dp by p का बनेगा log p, dx by x का बनेगा log x, और दोनों मेरे पास किस में है log में, सो वी विल यूज प्लस का log c। तो ये 2 जाएगा p की पावर में, सो log ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ऑफ log ऑफ b, तो क्या बनेगा log ऑफ a by b। तो log से log कैंसिल, सो वी हैव p स्क्वायर इज इक्वल टू c by x। सो p मेरे पास क्या है रूट c by x। तो मेरे पास यहाँ आ चुके हैं p की वैल्यू, सो इट मीन्स मुझे p की वैल्यू को पुट करना है गिवन इक्वेशन में और वही मुझे देगी मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने p की वैल्यू को पुट कर दिया है गिवन इक्वेशन 1 में, सो 2px माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ xp स्क्वायर, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू 2x बाहर और p की मेरे पास वैल्यू क्या है रूट c बाय x, और यहाँ मैंने क्या पुट किया xp स्क्वायर की जगह c। कैसे, देखिए p मेरे पास है रूट c बाय x, अगर मैं कर दूँ स्क्वेयरिंग तो p स्क्वायर मेरे पास क्या बचेगा c बाय x, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ वैल्यू c की तो c की मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इसको आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो c इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वेयर। तो डेट इज वाई हमने c को पुट किया एक्स पी स्क्वेयर, ये x की पावर 1, ये x की पावर हाफ, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, सो 2 रूट c इंटू रूट x माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ c। सिंपली मुझे यही एक देगा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या है y इज अ फंक्शन ऑफ x और c। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स पी स्क्वेयर माइनस ऑफ 2yp माइनस ऑफ ax। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 आप क्या कीजिए, आप y को करिए एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x और p, बट यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, तो क्या बनेगी वो xp स्क्वायर माइनस ऑफ ax इज इक्वल्स टू 2yp। अब हम करेंगे पूरे को डिवाइड बाय 2p, सो दैट y के साइड से जो मेरे पास ये 2p है कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बनेगा xp बाय 2 माइनस ऑफ ax बाय में 2p इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, सो स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy by dx इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 बाहर, यहाँ क्या है x और p, सो वी विल यूज u इनटू v रूल। तो उसके अकॉर्डिंग x as it is p का dp by dx प्लस p as it is x का 1, सो दिस इज फर्स्ट। तो यहाँ मेरे पास क्या x और p मेरे पास क्या है डिवाइड में है, तो इसलिए इसका हम यहाँ यूज करेंगे u by v रूल का। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर दैट इज p का स्क्वायर, नीचे वाला एस टीज दैट इज p एस टीज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज x का डिफरेंशिएशन इज 1, सो p इंटू 1 माइनस ऑफ ऊपर वाला एस टीज दैट x मेरे पास क्या एस टीज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज dp by dx। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करी है, सो इट इज p इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, ये सब सेम, माइनस ऑफ a बाय में 2, और ये मेरे पास था p स्क्वायर तो इसको हम ले आए बाहर, सो माइनस ऑफ a बाई 2 पी स्क्वेयर पी माइनस में x इंटू dp by dx। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पूरे का मल्टीप्लाई थ्रू आउट 2, तो क्या बनेगा 2p इज इक्वल्स टू x dp by dx प्लस में p माइनस ऑफ a बाई पी स्क्वेयर इंटू में p माइनस x dp by dx। तो देन हमने क्या किया, हम पूरी स्टर्म को ले गए हैं इस साइड में, तो क्या बनेगा 2p माइनस p इज p एंड दिस इज इन नेगेटिव साइन, और ये मेरे पास क्या था माइनस में, तो ये बनेगा प्लस में ए बाई पी स्क्वेयर पी माइनस एक्स टी पी बाई डी एक्स। तो ये टर्म मेरे पास क्या पूरे से कॉमन है, सो पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इंटू में वन प्लस ए बाई पी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये टर्म जीरो या ये जीरो, बट दिस कैन नॉट बी जीरो, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन डी पी बाई डी एक्स। तो मेरे पास क्या बचेगी पॉसिबिलिटी, दैट पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने यहाँ पर ये कुछ लिख रखा है, या तो मेरे पास ये जीरो होगा या ये जीरो, बट ये मेरे पास जीरो नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन डी पी बाई डी एक्स। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है दैट इट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि इसमें मेरे पास डी पी बाई डी एक्स नहीं है। तो मेरे पास क्या बचता है फाइनली पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, सो पी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, कैसे, इस पी को हम लाएंगे इस साइड में और इस डी एक्स को ले जाएंगे हम इस साइड में, तो क्या बनेगा डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स।
नाउ वी विल डू इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, डी पी बाई पी का इज लॉग पी, डी एक्स बाई एक्स का इज लॉग एक्स, एंड बोथ ऑफ देम आर इन लॉग, सो वी विल यूज लॉग ऑफ सी. तो लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए बी. अब लॉग से मेरे पास लॉग कैंसिल, सो वट वी हैव, पी इज इक्वल टू सी एक्स. अब यहाँ से मेरे पास क्या है, पी की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन, और जो मेरे पास वहाँ से आएगा सोल्यूशन वही हमें देगा गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन. तो हमने पी की वैल्यू को पुट किया इन इक्वेशन नंबर वन. तो वन मेरे पास क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स बाय टू इन टू पी माइनस ऑफ ए एक्स बाय में टू पी. तो ये मेरे पास वैल्यू है p की, सो x बाय टू इन टू सी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स बाय में टू इन टू सी एक्स. तो क्या बनेगा, सी एक्स का स्क्वेयर बाय में टू, मेरे पास x से x कैंसिल, सो माइनस ऑफ ए बाय टू सी. तो नेक्स्ट हमने किया मल्टीप्लाई पूरे को विद टू, सो टू वाई इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वेयर माइनस ऑफ ए बाय सी, एंड दिस विल गिव अस द कंप्लीट सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या है, y मेरे पास यहाँ पर है फंक्शन ऑफ x और c ओनली, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था. ये मेरे पास क्या है, सेकेंड केस है. नाउ वी हैव सेवंथ क्वेश्चन दैट y इज इक्वल टू वन प्लस पी इन टू एक्स प्लस पी स्क्वेयर. तो स्टेप वन मेरे पास क्या था, दैट y का आप शो करो इन टर्म्स ऑफ x और p. तो वो तो यहाँ पर हो रहा है सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग. अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट. तो क्या बनेगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल वन प्लस पी और x. तो हम यूज करेंगे u इन टू v. उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, वन प्लस पी एस टीज एक्स का वन प्लस एक्स एस टीज वन प्लस पी का डेरिवेटिव. तो वन का जीरो और पी का क्या बनेगा, डी पी बाई डी एक्स. देन मेरे पास डेरिवेटिव पी स्क्वेयर, तो इसका मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव, टू पी इन टू डी पी बाई डी एक्स. नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, सो पी इज इक्वल्स टू वन प्लस पी प्लस में एक्स इन टू डी पी बाई डी एक्स प्लस टू पी डी पी बाई डी एक्स. तो इस पी से मेरे पास ही पी कैंसिल, सो वट वी हैव, सो वी हैव जीरो इज इक्वल्स टू वन प्लस इसमें से और इसमें से हमने कॉमन लिया है डी पी बाई डी एक्स. तो एक्स प्लस टू पी इन टू डी पी बाई डी एक्स. तो इस वन को हम करेंगे शिफ्ट इस साइड में, सो माइनस वन इज इक्वल्स टू दिस टर्म सेम. अब यहाँ से मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, डी पी बाई डी एक्स की इज माइनस ऑफ वन बाय में एक्स प्लस टू पी. तो यहाँ से हम इसको क्या रेसिप्रोकल, दैट इज वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी पी, सो इट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पी बाय माइनस वन. तो माइनस वन को हम करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट द ब्रैकेट. तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू पी. इसको आप लाएंगे इस साइड में, सो डी एक्स बाई डी पी प्लस में एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू पी. अब ये मेरे पास किस फॉर्म की है, दिस इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर इसको आप करें कंपेयर इससे, तो पी मेरे पास क्या आएगा, वन, और क्यू मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ टू पी. सो पी मेरे पास है वन और क्या मेरे पास क्या, माइनस ऑफ टू पी. सो वट इज द इंटीग्रेटिव फैक्टर, इट इज नथिंग बट ई की पावर में इंटीग्रल पी इंटू डी पी. सो ई की पावर में, अब पी की मेरे पास क्या वैल्यू है, वन, सो वन इंटू डी पी. सो ई की पावर में डी पी का मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन पी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सोल्यूशन मेरे पास बनेगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रल क्या इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी पी प्लस सी. तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है आई डॉट एफ की. तो क्या बनेगा, एक्स इंटू में ई की पावर पी इज इक्वल्स टू, इसकी मेरे पास वैल्यू थी माइनस ऑफ टू पी. सो माइनस ऑफ टू पी इंटू में इसकी मेरे पास वैल्यू है ई की पावर पी डी पी प्लस सी. तो यहाँ से माइनस टू हम लेंगे बाहर, यहाँ मेरे पास है पी और पी, दैट इज वी हैव टू वेरिएबल इन द प्रोडक्ट. तो हम यहाँ यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. तो पी मेरे पास फंक्शन और e की पावर p मेरे पास क्या है, सेकंड फंक्शन. तो ये सब सेम इज इक्वल्स टू माइनस टू बाहर. फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है, p. सो फर्स्ट फंक्शन एस टीज, सो एस टीज इन टू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो ई पी का मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर p. तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब p का मेरे पास क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p इज वन, सो वन इन टू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. अब सेकेंड मेरे पास क्या है, ई की पावर पी, इसका इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट ई की पावर पी इंटू डी पी प्लस सी. तो क्या बनेगा, ये मेरे पास यहाँ सेम है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू. अब ये क्या बनेगा, पी इंटू ई की पावर पी एस टीज. अब यहाँ मेरे पास क्या है, इंटीग्रल में ई की पावर पी डी पी. तो इसका मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल ई की पावर पी एंड प्लस का सी. तो एक्स इंटू ई की पावर पी, इस माइनस टू को हमने किया मल्टीप्लाई अंदर, सो माइनस ऑफ टू पी इंटू ई की पावर पी
प्लस में 2 इंटू ए की पावर पी प्लस सी। तो अब हम करेंगे पूरे को डिवाइड बाई ए की पावर पी, तो क्या बनेगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास ई की पावर पी खत्म, यहाँ से ख़त्म, और यहाँ मेरे पास क्या बनेगा सी बाय में ई की पावर पी, तो इसको हम ले आएंगे ऊपर, तो क्या बनेगा सी इंटू ई की पावर माइनस ऑफ पी। तो हमने यहाँ वही लिखा है, तो यहाँ से मेरे पास आ चुकी है वैल्यू एक्स की, क्या आएगी वो 2, मैंने लिया कॉमन, सो 2 इंटू 1 माइनस पी प्लस में सी इंटू ई की पावर माइनस पी। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से मेरे पास बनी है फॉर्म ये, एक्स इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ पी, तो इट मीन्स यहाँ मेरे पास आएगा फर्स्ट सॉल्यूशन वाला मेथड। अब मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वाई में, वाई मुझे देगा अनदर फंक्शन ऑफ पी, एंड ये दोनों मुझे मिलकर क्या देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था दैट जहाँ पर मेरे पास पी की वैल्यू निकलती है इंडिपेंडेंटली, तो वो मेरे पास मेथड यहाँ यूज़ नहीं होगा। सो जो मेरे पास वैल्यू थी एक्स की उसको हमने पुट कर दिया गिवन इक्वेशन में, तो ये मेरे पास थी गिवन इक्वेशन 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वेयर, तो 1 प्लस पी दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस पी स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई अंदर की साइड में, सो 2 इंटू 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी प्लस सी इंटू में ई की पावर माइनस पी इंटू में 1 प्लस पी प्लस पी स्क्वेयर। अब ये मेरे पास क्या है ए माइनस पी और ए प्लस पी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और अकॉर्डिंग टू इट 1 माइनस पी स्क्वेयर, सो 2 इंटू 1 माइनस पी स्क्वेयर, और ये मेरे पास क्या है सब कुछ सेम। तो ये मेरे पास क्या है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, तो मेरे पास क्या आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन दिस इक्वेशन और मेरे पास जो ऊपर है द इक्वेशन दैट इज x इन टर्म्स ऑफ p, तो उसको मैं नाम दे रहा 2, सो 2 एंड 3 विल गिव अस द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 8 क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू p tan p प्लस log ऑफ cos p। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ मेरे पास x मिसिंग है, तो इट मीन्स मेरे पास क्या होगा तरीके से फंक्शन ऑफ p, और x मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो वी कैन से x की पावर 0, बट है तो वही तरीके से हम करेंगे यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या बनेगा देखिए dy by dx is equals to, अब यहाँ मेरे पास है p, यहाँ मेरे पास है p, सो वी विल यूज u into v, तो p as is tan का बनेगा secant square p और p का बनेगा dv by dx प्लस tan p as is और p का बनेगा dv by dx। अब आते बाद इसके तो log of cos p, तो क्या बनेगा 1 by cos p और cos का मेरे पास होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन पी, एंड पी का क्या बनेगा डी पी बाई डी एक्स। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो मेरे पास क्या बनेगा ये साइन पी बाई कोस पी इज टेन पी, और यहाँ मेरे पास क्या नेगेटिव साइन, तो हम देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमने वैल्यू पुट कर दी, डेट इज पी इज इक्वल्स टू पी इंटू सीकेंट स्क्वेयर पी इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस टेन पी डी पी बाई डी एक्स, और वहाँ मेरे पास जो लास्ट टर्म थी उसकी मेरे पास क्या वैल्यू थी माइनस ऑफ टेन पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो इससे मेरे पास ये कैंसिल, सो वट वी हैव दिस टर्म ओनली, सो p इज इक्वल्स टू पी सीकेंट स्क्वेयर पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो p से p कैंसिल, सो वी हैव 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो dx मेरे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से dx इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर पी इंटू डी पी, तो क्या बनेगा dx का मेरे पास बनेगा x और प्लस का c दैट इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और सीकेंट स्क्वेयर की मेरे पास क्या होती है इंटीग्रेशन 10p, तो x मेरे पास क्या आएगा 10p माइनस सी। अगर आप चाहें तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आप यहाँ पर भी कर सकते थे इंट्रोड्यूस, इट डज नॉट मैटर कि यहाँ पर मेरे पास प्लस का सी या माइनस का सी। तो यहाँ से मेरे पास आ चुके हैं वैल्यू एक्स की इन टर्म्स ऑफ पी, बट अगर आपको याद हो तो मेरे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो मेरे पास थी वाई इज इक्वल्स टू पी टेन पी प्लस में लॉग ऑफ कोस पी, यानी कि वहाँ मेरे पास एक्स नहीं था। अब यहाँ मेरे पास क्या है एक्स है इन टर्म्स ऑफ पी, और मुझे क्या चाहिए होता है वाई इन टर्म्स ऑफ पी, तो इसलिए क्या है मेरे पास, यानी कि जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म करेगी सॉल्यूशन, सो इट मींस गिवन इक्वेशन और टू मेरे पास मिलकर देगी कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक्स की वैल्यू को हम कहीं पुट नहीं कर सकते, और यहाँ मेरे पास क्या बन रहा है फॉर्म एक तरीके से ये वाई इज अ फंक्शन ऑफ पी, और यहाँ मेरे पास क्या बन रहा है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी, और हमें ये चाहिए थी। अब दो मेरे पास मिलकर क्या देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, सो 1 दैट इज गिवन इक्वेशन एंड 2 दैट इज दिस इक्वेशन गिव अस द कंप्लीट और यू कैन से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लास्ट में हम कर लेते हैं समराइज कि हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास p जो है वो अगर निकलता है वो इंडिपेंडेंटली तो उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे y में और वो मुझे क्या देगा कंप्लीट सॉल्यूशन, बट अगर मेरे पास p जो है वो नहीं निकलता इंडिपेंडेंटली, जैसे यहाँ पर p की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लाएंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और यही वैल्यू पुट करेंगे हम गिवन इक्वेशन में, तो
तो वो मुझे क्या देगी, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p। तो हमने डिस्कस किया है दो मेथड और आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अब हम करेंगे कंटिन्यू अपने एक्सरसाइज को फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।